Hi guys, welcome to our next class in our UPSC Prelims 2020 Revision Series, जहाँ पे हम लोग कई सारे वीडियोस बना रहे हैं to prepare those who are appearing for the prelims in 2020 के prelims के जो important topics हैं, we are trying to revise most of them, especially from the prelims point of view. आज की class is on modern history. Modern history में there are two very very important topics जहाँ से भरपूर भर के questions आते हैं. We are discussing two topics today. That is Lord Cornwallis and Lord Wellesley. ये दोनों से ही काफ़ी सारे questions आते हैं because during their time in India, a lot of things happened here. So इसीलिए we are discussing them. अगर आपने इससे पहले वाले videos नहीं देखे हैं, I would advise you to watch the other videos जहाँ से आपका revision चल रहा है. There are videos on current affairs, there are other videos on polity, there are videos on modern history as well. So please go through those videos as well. एक और चीज़ शुरू करने से पहले, most of you would know from my website, harshmeetstudycircle.com or the Facebook page, that I am now starting another video, online video series, that is 100 most important topics for prelims 2020. Prelims 2020 ke keeping in mind 20 jo sabse zyada important topics hai according to me which have the probability of being asked is saal, including from dynamic section, current affairs se, and from the static part. उसकी एक वीडियो सीरीज आई एम मेकिंग. दोज विल बी लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स वेर यू कैन इंटरेक्ट विद मी लाइव. देर विल बी लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. जूम पे हम लोग उसको करने वाले हैं. द फर्स्ट क्लास इज फ्री फॉर ऑल. फर्स्ट क्लास के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी. द फर्स्ट क्लास इज ऑन 7th मे को 1 PM पे फर्स्ट क्लास है. इफ़ यू वॉन्ट टू रजिस्टर फॉर दैट, यू कैन राइट मी ऑन माई ईमेल एड्रेस harshmeetstudycircle@gmail.com और पिंग मी ऑन व्हाट्सएप. नंबर इज 9958068959. मैं ये मेंशन भी कर दूंगा. द फर्स्ट क्लास इज फ्री. उसके बाद देर इज इट्स अ 20-25 लेक्चर सीरीज. कुल मिला के इतने लेक्चर्स होंगे. द टोटल फीस 3000 फॉर दैट. इफ यू वांट टू रजिस्टर पहली क्लास के बाद यू कैन लेट मी नो. ठीक है. एनीवे चलो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज क्लास. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस. लॉर्ड कॉर्नवालिस क्यों स्पेशल थे, उनके टाइम पे यहाँ पे क्या क्या हुआ था, एंड वॉट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में when the first thought comes to your mind, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में प्लीज ये बात याद रखना, ही वॉज अ वेरी यूनिक पर्सन बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट हाई प्रोफाइल पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. मतलब ये पहले ऐसे थे जो कि बहुत बड़े खानदान से आए थे, बहुत अमीर खानदान से आए थे और इनको गवर्नर जनरल बनाया गया था यहाँ पे. इससे पहले जो गवर्नर जनरल थे, जैसे कि लॉर्ड हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोग ने वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ा हुआ है. दीज पीपल जो कि कंपनी को हेड करते थे कॉर्नवालिस से पहले, ये कॉमन लोग थे. ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल या बहुत एक बहुत अमीर फैमिली से नहीं आए थे, बट कॉर्नवालिस बहुत अमीर फैमिली से आए थे. किंग की फैमिली के क्लोज थे ये. इनको चुना गया था. द रीज़न फॉर हिम बींग अपॉइंटेड एज ए गवर्नर जनरल वॉज वेरी स्पेसिफिक. इनसे पहले जो भी गवर्नर जनरल थे इंडिया में, दे इंडल्ज इन अ लॉट ऑफ करप्शन. उन्होंने बहुत पैसा यहाँ पे खाया था एंड दे वर रनिंग आफ्टर मनी फॉर एवरीथिंग. कॉर्नवालिस क्योंकि पहले से ही बहुत अमीर थे, सो इट वॉज थॉट इफ कॉर्नवालिस इज सेंट टू इंडिया, मे बी वो पैसे नहीं खाएंगे, करप्शन कम करेंगे. इसलिए स्पेसिफिकली कॉर्नवालिस को भेजा गया था यहाँ पे. सेकेंडली बिकॉज कॉर्नवालिस केम फ्रॉम अ वेरी हाई प्रोफाइल फैमिली, ही वॉज क्लोज टू अ रॉयल फैमिली ऑल्सो, इसीलिए उनको यहाँ स्पेशल पावर्स दी गई थी. कॉर्नवालिस से पहले वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव को इतनी पावर्स नहीं थी, इतनी कॉर्नवालिस को दी गई थी बिकॉज अगेन ही केम फ्रॉम वेरी प्रिविलेज फैमिली, तो उनको पावर दी गई थी. सो लेट्स बिगिन. एक और चीज़ विच पीपल डोंट रियली रियलाइज, लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं इसके बारे में, कॉर्नवालिस इंडिया में दो बार आए थे, नॉट जस्ट वंस. उनके दो टेन्योर थे. हम लोग पहले टेन्योर के बारे में ही पढ़ते हैं बिकॉज सेकेंड टेन्योर में वेन ही केम टू इंडिया, वेरी सून ही डाइड इन इंडिया. ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू डाई इन इंडिया. पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जो कि इंडिया में ही इनकी डेथ हो गई थी. सो कॉर्नवालिस हैड टू टेन्योर. इनका जो पहला टेन्योर था वो 1786-1793 में था, जहाँ ज़्यादातर चीज़ें हुई थी विच विल स्टडी इन डिटेल. ये सेकेंड टेन्योर के भी इंडिया आए थे 1805 में, बट ही डाइड वेरी वेरी सून वेन ही केम. यहाँ वेदर बहुत ख़राब था इंडिया का उस टाइम पे, उनको इन्फेक्शन हुआ एंड ही डाइड. ही वॉज अ फर्स्ट इंग्लिश नोबल मैन, जैसे कि मैंने कहा पहले ऐसे इंसान जो बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली से आए थे, टू कम टू इंडिया एंड टेक द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल. ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू डाई इन इंडिया, जो मैंने अभी आपको बताया. ही डाइड ड्यूरिंग द सेकेंड टर्म, नॉट द फर्स्ट टर्म. नाउ बिफोर हिज अराइवल, इनके आने से पहले जॉन मैकफर्सन एक्टिंग गवर्नर जनरल थे 20 मंथ्स के लिए.
एक बात याद रखना यार, आप मॉडर्न हिस्ट्री में कई सारे गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स, फिर आप कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे, वेलेस्ले के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि यही लोग थे केवल, मतलब जो आपकी बुक्स में मेंशन है गवर्नर जनरल्स, उनका जो क्रोनोलॉजी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि उनके बीच में कोई और आया नहीं था, उनके बीच में भी कुछ छोटे मोटे गवर्नर जनरल्स यहाँ पे आते थे इंडिया में, जस्ट दैट नथिंग वेरी सिग्निफिकेंट हैपन ड्यूरिंग देयर टाइम, तो वो बुक्स में मेंशन नहीं है। तो ऐसा मत समझना कि बुक्स में इतने गवर्नर जनरल हैं कि उतने ही आए थे, उससे और ज़्यादा भी आए थे। एज यू कैन सी, कॉर्नवालिस के आने से पहले जॉन मैकफर्सन नाम के एक गवर्नर जनरल थे इंडिया में 20 मंथ्स के लिए, उनके टाइम पे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था। कॉर्नवालिस जब यहाँ पे आए, कॉर्नवालिस इज रिमेम्बर्ड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसमें से पहली चीज़ जिसके लिए उनको याद रखा जाता है, दैट इज़ अ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम विच ही इंट्रोड्यूस इन 1793। परमानेंट सेटलमेंट से पहले कौन सा सिस्टम चलता था, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट किया था, क्या नाम था उसका, इजारादारी सिस्टम। इजारादारी सिस्टम में क्या था, ऑक्शन होता था, जिसने सबसे ज़्यादा रेट लगाया लैंड का उसको ज़मींदार बना दिया जाता था, एंड दैट वॉज एन एनुअल थिंग, हर साल यही होता था। कॉर्नवालिस ने उसको चेंज किया और परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम लेके आए। वी विल डिस्कस अ परमानेंट सेटलमेंट इन डिटेल कि वो क्या होता है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर द डोर्स ऑफ कन्विटेड सर्विसेज वर क्लोज फॉर इंडियन, मतलब कि इंडियंस को बहुत हाई पोजिशन नहीं दी जाती थी, ये कॉमन था, इससे पहले भी ऐसा ही होता था। ही ऑल्सो गॉट द पावर ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको दो मिनट पहले बताया, कॉर्नवालिस केम फ्रॉम वेरी हाई बैकग्राउंड, वेरी हाई फैमिली, इसीलिए उनको यहाँ स्पेशल पावर्स दी गई थी विच वर नॉट गिवन टू अर्लियर गवर्नर जनरल्स। तो उनको स्पेशल पावर्स क्या दी गई थी, ही कुड कम्यूट द पनिशमेंट। He also defeated Tipu Sultan in the Third Anglo-Mysore War and famously signed the Treaty of Seringapatnam. Chal. Now the permanent settlement system, जिसके लिए he is very very fondly remembered. आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा permanent settlement system क्या होता है, since it is a revision class, so I'll go through it जल्दी से एक बार। He introduced a permanent settlement system in Bengal, Banaras, Bihar, Karnataka and Odisha. जैसा कि मैंने बताया, अभी तक क्या था, till now ब्रिटिश फॉलोड इजारादारी सिस्टम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, जहाँ पे ऑक्शन होता था, जिसने सबसे ज़्यादा ऑक्शन में रेट लगाया उसको लैंड दे दिया जाता था, दैट पर्सन यूज टू गिव मनी टू कंपनी एंड दैट पर्सन यूज टू एक्सट्रैक्ट रेंट फ्रॉम द टेनेंट्स और फ्रॉम द फार्मर्स, और ये हर साल की एनुअल प्रैक्टिस थी, हर साल ऐसा होता था। कॉर्नवालिस ने डिसाइड किया कि अब से ऑक्शनिंग नहीं होगी, देयर वुड नॉट बी एनी ऑक्शनिंग ऑफ द लैंड। अब से क्या होगा, जो एक बार ज़मींदार है, बन गया लैंड का, अब उसी की फैमिली में ही ज़मींदार बनते जाएंगे। सो हर साल आपको ऑक्शनिंग में पार्ट नहीं लेना है, आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपके पास आप ज़मींदार हो, तो बस सन ऑफ अ ज़मींदार वुड बी द नेक्स्ट ज़मींदार। ज़मींदार को परमानेंट इंटरेस्ट दिया गया, मतलब कि ज़मींदार को बोला गया कि परमानेंटली लैंड आपका ही रहेगा, क्योंकि अभी तक क्या था कि ज़मींदार यूज़ टू होल्ड लैंड फॉर वन ईयर ओनली, अगले साल शायद ऑक्शन में उनको वो लैंड ना मिले, तो इसीलिए द ज़मींदार डिड नॉट यूज़ टू पे मच अटेंशन, ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे वो एक साल में हम क्या ही इसमें कर लेंगे, उनका ध्यान केवल पैसे बनाने में रहता था। दे डिड नॉट रियली पुट टू मच अटेंशन इनटू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फार्मिंग, इनटू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लैंड, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ज़मींदार को एक परमानेंट इंटरेस्ट दे दिया गया कि आपका ही लैंड रहेगा, तो अच्छा है कि आप जितना ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करो, जितना ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लैंड बेटर हो, उतना आपका फ़ायदा है। द ब्रिटिश डिसाइडेड द रेवेन्यू, ब्रिटिश ने डिसाइड किया किस लैंड का रेवेन्यू कितना रहेगा। जो पीजेंट्स थे उनको टेनेंट्स कहा गया और ज़मींदार्स को ओनर्स बना दिया गया लैंड का। जितना भी गवर्नमेंट ने रेवेन्यू डिसाइड किया था उसमें से 11% वॉज द फी ऑफ द जमींदार, 11% जमींदार रखता था एंड 89% ही यूज टू पे टू द गवर्नमेंट, 89% गवर्नमेंट को दिया जाता था, 11% जमींदार रखता था। ये सिस्टम 10:11 रेशियो भी कहा गया इसको, ये सेम ही है, अगर 10:11 को आप कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा कि 89% होगा वो गवर्नमेंट के पास एंड 1:11 मतलब केवल 11% होगा वो जमींदार के पास चला जाएगा। परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू फिक्स होता था हर साल की कितना रेवेन्यू होगा गवर्नमेंट का, सॉरी हर 10 साल में एक बार रेवेन्यू फिक्स होता था। अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक पीस ऑफ लैंड से 1 करोड़ का रेवेन्यू हमें चाहिए, तो वो 10 साल तक 1 करोड़ ही रहेगा। 1 करोड़ में से 89 लाख गवर्नमेंट को मिलेंगे और उसमें से 11 लाख रुपये ज़मींदार को मिलेंगे। सो दैट इज़ हाउ द सिस्टम यूज टू वर्क। इसी को कहा गया कि यहाँ से इकोनॉमिक ड्रेन शुरू हुई इंडिया की, इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया स्टार्टेड बिकॉज ज़मींदारी सिस्टम में सारा का सारा पैसा ब्रिटिश के पास आ जाता था। 89% बहुत ज़्यादा हाई टैक्स हो गया। अब इमेजिन करो, अभी आप जितना आपका एक लैंड आपको दिया है उसमें से जितनी आपकी कमाई होती है उसका 89% आपको गवर्नमेंट को देना पड़े, 10-11% अपने पास रखना पड़े। सो ऑब्वियसली पीपल डिड नॉट फाइंड इट वेरी गुड। याद रखना, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वॉज नॉट अक्रॉस द कंट्री, थ्रू आउट इंडिया ये सिस्टम नहीं था, कुछ जगहों पर था,
जो हमने अभी पढ़ा, दैट वॉज इन बंगाल, बिहार, बनारस, कर्नाटक एंड उड़ीसा. और अलग अलग सिस्टम्स भी चल रहे थे विच वील स्टडी लेटर ऑन. वन ऑफ द अदर सिस्टम वॉज एक महलवारी सिस्टम बाद में आया था विच वॉज प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर थॉमस मुंडो. थॉमस मुंडो के टाइम पे एक और सिस्टम था महलवारी सिस्टम विच वील स्टडी लेटर ऑन. कॉर्नवालिस इज ऑल्सो रिनाउंड एंड रिमेम्बर्ड फॉर द रिफॉर्म्स. उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स लेकर आए थे जब ये यहाँ पे आए थे. तो पहला इनका जो एम था वो था टू कर्ब द करप्शन, क्योंकि इनसे पहले जो लोग थे यहाँ पे फॉरेन एस्टिंग रॉबर्ट क्लाइव, वो इतना पैसा लेके गए थे इंग्लैंड वापस और इतनी करप्शन के चार्जेस थे उनके ऊपर, बहुत पैसा खा के गए थे. दैट इज़ वाई कॉर्नवालिस वॉन्टेड कि ये जो दाग है करप्शन का ये हटाया जाए. सो ही वॉन्टेड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द कंपनी, ही वॉन्टेड टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ द कंपनी. दैट इज़ वाई टू कर्ब द करप्शन इन द कंपनी ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स. उन्होंने कई सारी चीज़ें की. कंपनी की सिविल सर्विसेज में ओनली क्वालिफाइड पीपल वर अलाउड टू एंटर. ये क्वालिफाइड पीपल वर एक्सपेक्टेड कि वो शायद करप्शन कम करेंगे. इंग्लैंड से किसी की रिकमेंडेशन नहीं मानी जाती थी, मतलब ऐसा नहीं कि इंग्लैंड से लेटर लेके आ गया कि भाई मेरे को नौकरी दे दो, वो भी अलाउड नहीं किया गया. प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी के सर्वेंट्स को मना कर दिया गया, प्राइवेटली ट्रेड नहीं करेंगे. ये जो प्राइवेट ट्रेडिंग मना किया गया था, रिमेंबर ये बहुत बार हो चुका है. इससे पहले वॉरन हेस्टिंग्स ने भी मना किया था क्योंकि करप्शन हर बार था, बट हर गवर्नर जनरल ये एक ना एक बार रिपीट करता था कि प्राइवेट ट्रेडिंग अलाउड नहीं होगी. कंपनी सर्वेंट जो कंपनी के लिए काम करते थे, दे वर नाउ टू साइन अ बॉन्ड जिसमें एक बॉन्ड साइन कराना अब उनको करना था, जिसमें लिखा था दे विल नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम एनी इंडियन, तो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे. ये सब कॉर्नवालिस ने किया. ऑल्सो रिमेंबर कॉर्नवालिस ने एक और चीज़ की थी. कॉर्नवालिस इंक्रीज द सैलरीज ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया. सिविल सर्वेंट की सैलरी बहुत बढ़ा दी गई थी. क्यों बढ़ाई गई थी? बिकॉज इट वॉज एक्सपेक्टेड कि आपको लीगली आपको सैलरी अगर बढ़ी हुई मिल रही है तो मे बी यू विल नॉट इंडल्ज इन करप्शन. ये मानना था उस टाइम के सिविल सर्वेंट्स और पेड अ वेरी वेरी गुड सैलरी एज कम्पेयर टू एनी वेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड. रेवेन्यू कलेक्टर्स जो थे दे वर डिप्राइव ऑफ जुडिशियल पावर. जुडिशरी को पूरा अलग सेटअप किया गया था, रेवेन्यू जो कलेक्टर्स थे उनको अलग रखा गया था. बिकॉज अभी तक क्या था, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था वही जज था. मानिए कि आपसे कोई रेवेन्यू कलेक्ट करने आया, उसने ज़्यादा रेवेन्यू ले लिया, सो यू गो एंड फाइल अ केस, आपका केस वही सुनेगा जो रेवेन्यू कलेक्ट करने आया था. दैट इज़ वॉट द सिस्टम वॉज टिल द टाइम ऑफ वॉरन हेस्टिंग्स. अब यहाँ पे आके कॉर्नवालिस ने इसको चेंज किया. जुडिशियल पावर्स वर टेकन अवे फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टर. जुडिशरी को कई सारी चीज़ें नई यहाँ पे आई थी. जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा याद किया जाता है कॉर्नवालिस को. जुडिशियल रिफॉर्म्स में याद रखना, जब भी जुडिशियल रिफॉर्म का नाम आएगा कॉर्नवालिस का नाम आएगा. एक पूरा नया सिस्टम सेटअप हुआ था सिविल साइड पे भी और क्रिमिनल साइड पे भी. सिविल साइड पे देखिए क्या था. सिविल सिस्टम में लोएस्ट कोर्ट सेटअप हुए थे, अमीन कोर्ट और मुनसिफ कोर्ट जिन्हें कहा जाता था, जहाँ पे 50 रुपये तक के केसेस यहाँ पे आएंगे. देन हाई उससे ऊपर आप जाओगे तो दे वॉज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दीवानी अदालत जिसको कहा जाता था. इसको सेशंस जज प्रिसाइड करते थे हु यूज टू बी एन इंग्लिशमैन, जो इंग्लिशमैन ही होते थे, इंडियंस नहीं होते थे. उसके ऊपर दीवानी अदालत के ऊपर प्रोविंशियल कोर्ट होते थे अपील करने के लिए. 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स थे, ढाका, कैलकाटा, मुर्शिदाबाद और पटना में. और उसके बाद जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था वो था सदर दीवानी अदालत. सी जहाँ जहाँ वर्ड दीवानी सुनोगे, दीवानी अदालत मीन्स द सिविल कोर्ट. सो दीवानी वर्ड सिविल के साथ अटैच होता है, रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स बेसिकली. सो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील सदर दीवानी अदालत था, ये कैलकाटा में हुआ करता था और यहाँ पे सबसे ऊपर अपील होती थी. जज इंग्लिश होते थे बट दे वर सपोर्टेड बाय द हेड काजी, 2 मुफ्तीज एंड 2 पंडित्स. सदर दीवानी अदालत इंडिया में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था. अगर आप उससे भी अपील करना चाहते हो, यू कैन अपील टू द बैंक ऑफ इंग्लैंड. आप बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपील कर सकते हो, सॉरी किंग ऑफ इंग्लैंड को अपील कर सकते हो इफ़ यू वांटेड. किंग ऑफ इंग्लैंड में अपील करने के लिए केवल वो केसेस आ सकते थे विच हैड अ वैल्यू ऑफ मोर देन ₹5,000. 5,000 से ज़्यादा की जो वैल्यू होगी केवल वो वाले केसेस जा सकते हैं किंग ऑफ इंग्लैंड के पास अपील करने के लिए. ये सिविल जुडिशरी का था. एंड देन क्रिमिनल जुडिशरी का थोड़ा सिस्टम अलग था. क्रिमिनल जुडिशरी में सबसे नीचे कोर्ट्स को कहा जाता था तालुका, तहसील लेवल, जहाँ दरोगा अदालत बैठते थे. दिस वॉज द लोएस्ट लेवल. वहाँ से अपील होती थी डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट में, जहाँ सेशन जज बैठते थे. वहाँ से अपील होती थी 4 सर्किट कोर्ट्स में, मुर्शिदाबाद, ढाका, कैलकाटा एंड पटना. और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील सदर दीवानी अदालत था. ठीक है, वहाँ पहले था हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील और यहाँ पे सदर दीवानी अदालत. ये जो कोर्ट ऑफ अपील था, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ये केवल हफ्ते में एक बार एक सिटिंग होती थी, नॉट एवरी सिंगल डे. इट हैड जस्ट वन सिटिंग वंस अ वीक.
इसके अलावा कई सारे और जुडिशल रिफॉर्म्स किए गए थे। हाई कोर्ट की फीस को हटा दिया गया था, लॉयर्स को कहा गया था कि आप अपनी फीस फिक्स करिए, एंड पी ऑर्डिनरी पीपल को भी राइट दिया गया था आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। इन शॉर्ट अ लॉट ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉर्नवालिस। अब यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आर यूजुअली आस्क्ड। पहला क्वेश्चन मेंस में आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन द जुडिशियरी एट द टाइम ऑफ कॉर्नवालिस। सेकेंड प्रीलिम्स में आता है, एक कोई स्पेसिफिक रिफॉर्म दे देंगे और पूछेंगे किसके टाइम पे हुआ था, तो उसका आंसर कॉर्नवालिस होता है। जुडिशरी में अगर कुछ क्वेश्चन आएगा रिफॉर्म्स का, मोस्ट प्रॉबली 90% ऑफ द केस में उसका आंसर कॉर्नवालिस ही होगा। कॉर्नवालिस वॉज द वन जिन्होंने जुडिशरी के टाइम पे रिफॉर्म्स किए थे। एक और चीज़ कॉर्नवालिस के साथ अटैच है, जब इन्होंने इतने सारे रिफॉर्म्स किए, जुडिशरी को ठीक किया, इसका एक साइड इफेक्ट या फिर इसका एक कॉन्सिक्वेंस था। वो कॉन्सिक्वेंस क्या था कि बहुत ज़्यादा केसेस आने लगे। मतलब कि जब जुडिशरी में चीज़ें ठीक होना शुरू हुई, लोगों को भी राइट मिला कि आप केस कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, बहुत सारे लेवल्स हैं जहाँ पे आप केस कर सकते हैं। प्लस अब रेवेन्यू ऑफिसर आपका केस नहीं सुनेगा, रेवेन्यू ऑफिसर अलग है, जुडिशल ऑफिसर अलग है। जब ये सब चीज़ें हुई, अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड फाइटिंग और स्टार्टेड कंटेस्टिंग अ केस। सो कॉर्नवालिस का एरा इस चीज़ के लिए भी याद किया जाता है कि अ लॉट ऑफ केसेस वर फाइल्ड इन द जुडिशरी। वो इसीलिए नहीं हुआ था कि जुडिशल सिस्टम बड़ा एफिशिएंट हो गया था, वो इसीलिए हुआ था कि नाउ पीपल थॉट कि अब हम केस कर सकते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर हमारा केस नहीं सुनेगा, बहुत सारे लेवल्स ऑफ कोर्ट बना दिए गए थे, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने केस करना शुरू कर दिया। इसमें से कई सारे केसेस वॉज रिलेटेड टू परमानेंट सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू के भी सारे कई सारे केसेस होते थे। सो हिज एरा इज ऑल्सो वेरी वेल रिनाउंड और वेरी वेल नोन फॉर अ स्टीप इंक्रीज इन द लिटिगेशन नंबर ऑफ केसेस जो यहाँ पे आए थे। एज आई सेड, कोर्ट्स वर चोक्ड विद लिटिगेशन, लिटिगेशन केप्ट फ्लडिंग इन द कोर्ट्स अंटिल द जमींदार्स वर गिवन कोअर्सिव पावर्स। जमींदार्स को जब पावर दे दी गई कि अब आप लोगों को दबा सकते हैं 1795 में, तब जाके केसेस कम होना शुरू हुए, क्योंकि जुडिशरी भी परेशान हो गई थी, इतने सारे केसेस हैं, टाइम नहीं बचता है, नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस बढ़ते जा रहे थे। तो उसको हटाने के लिए जमींदार्स को फाइनली पावर दे दी गई कि आप लोगों को दबाइए, एंड यू कैन फिक्स द मैटर्स इन योर ओन हैंड, आप यहाँ पे लेके मत आइए। द अदर थिंग ही वॉज फेमस फॉर वॉज पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस रिफॉर्म्स भी कॉर्नवालिस ने किए थे। अभी तक पुलिस वॉज अंडर द जमींदार, तो जो जिस एरिया का जमींदार होगा पुलिस उसके अंडर काम करेगी, बट अब ऐसा नहीं था। द पुलिस पावर वर टेकन अवे फ्रॉम जमींदार एंड दीज पावर्स वर गिवन टू एन ऑफिसर कॉल्ड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सुपरिटेंडेंट, जो SP आप बोलते हो, SP की पोस्ट यहाँ से इंट्रोड्यूस हुई थी, कॉर्नवालिस ने किया था। ये यूरोप में चलता था ऐसा, यहाँ पे इंडिया में इस सिस्टम को लेकर के आया गया। देवर गिवेन अ पेड सैलरी, पुलिस को एक अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, एंड अनलिमिटेड पावर्स टू अरेस्ट सस्पेक्टेड पर्सन। जिसमें भी उनको शक होता था, दे कुड अरेस्ट दैट पर्सन। अभी तक जो थाना जो बनाए गए थे, थानाज वर इन इंडिया वर नाउ टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। जमींदार का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता था थाने के ऊपर, बट नाउ जमींदार को अलग कर दिया गया था, पुलिस सिस्टम को एकदम अलग कर दिया गया था। एक और चीज़ कॉर्नवालिस के टाइम पे हुई थी, विच पीपल डोंट रियली रिमेंबर। कॉर्नवालिस के बारे में जब आप बात करते हो, बहुत भारी भरकम चीज़ें न्यूज़ में, बहुत भारी भरकम चीज़ें आप पढ़ते हो, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रिफॉर्म्स इन द जुडिशरी, रिफॉर्म्स एट द टाइम ऑफ इन द पुलिस सिस्टम। बट यूजुअली एक और चीज़ है जो कॉर्नवालिस ने की थी, जो हम भूल जाते हैं, दैट इज कॉर्नवालिस ने स्लेवरी के अगेंस्ट एक्शन लिया था। ही कॉर्नवालिस प्रोक्लेम्ड दैट एनीवन फाउंड एसोसिएटेड विद स्लेवरी वुड बी प्रोसिक्यूटेड इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस चलेगा। इंडिया में स्लेवरी सल्तनत एरा में, मतलब जो दिल्ली सल्तनत वाला जो एरा था, उस एरा में स्लेवरी चलती थी, देयर वॉज स्लेवरी इन दैट एरा। इसीलिए उसको ख़त्म करने के लिए, स्लेवरी को पूरी तरह से हटाने के लिए, कॉर्नवालिस टुक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट स्लेवरी। अभी भी देयर वॉज अ प्रैक्टिस दैट चिल्ड्रन वर कलेक्टेड बाई इंडियन एंड सोल्ड टू द फ्रेंच। उसको कंट्रोल करने के लिए कॉर्नवालिस ने 1789 में स्टेप उठाया। दैट इज वॉट यू नीड टू स्टडी अबाउट कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के बारे में क्वेश्चन आता है तो यूजली घुमा फिरा के इन्हीं पार्ट से आता है। इफ यू रिमेंबर दीज फैक्ट्स, कॉर्नवालिस वाला पार्ट सेट है, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। देन लॉर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले को याद किया जाता है फॉर वन वेरी वेरी स्पेसिफिक रीजन, दैट इज सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम वेलेस्ले ने इंडिया में आके फेमस किया था। बट रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि दैट वॉज इंट्रोड्यूस बाई वेलेस्ले। वेलेस्ले से पहले वो सिस्टम चलता था, वेलेस्ले ने जस्ट दैट उसको आके बहुत फेमस कर दिया था इंडिया में।
लॉर्ड वेलेस्ले रिमेन्ड द गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम्स फ्रॉम 1798 टू 1805. इनके टेन्योर में फोर्थ एंड लास्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी टीपू सुल्तान के साथ, जहाँ पे ही डाइड. सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, एंड एज आई सेड ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, जहाँ पे इन्होंने मैसूर, जोधपुर, जयपुर, बंडी, मशेरी, भरतपुर जैसी जगहों पे ये एक्ट को लेके आए थे, और यहाँ पे सिस्टम के अंडर आके इन सारी जगहों को अलायंस में जोड़ दिया था. अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज ऑल्सो वेल नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग सेंसरशिप ऑफ प्रेस. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज याद रखना. इंडिया में जो पहली बार प्रेस सेंसरशिप हुई थी, मतलब पहली बार जब कहा गया था प्रेस क्या नहीं कर सकती, न्यूज़पेपर्स क्या नहीं छाप सकते, वो वेलेस्ले के टाइम पे हुआ था, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट के अंडर. इसके अलावा ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड अ कॉलेज फॉर ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया. सिविल सर्वेंट्स अभी तक इंग्लैंड में ही ट्रेन होकर आते थे, अब पहली बार उनको इंडिया में ट्रेनिंग के लिए एक सिस्टम सेटअप किया गया. यह सब वेलेस्ले के टाइम पे हुआ था. नाउ लेट्स गो इनटू डिटेल वन बाय वन. फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर. देखो वेलेस्ले जब यहाँ पे आए थे, यू नीड टू रिमेंबर वन स्पेसिफिक थिंग अबाउट वेलेस्ले. व्हेन वेलेस्ले केम हियर, यूरोप में नेपोलियन वॉज बिकमिंग वेरी वेरी पावरफुल. नेपोलियन ने पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया था, केवल इंग्लैंड छूटा हुआ था, एंड नेपोलियन हैड अनाउंस कि आई विल टेक अवे एवरीथिंग फ्रॉम इंग्लैंड. तो इंग्लैंड वॉज वेरी स्केयर्ड कि नेपोलियन विल कम टू इंडिया, नेपोलियन विल कैप्चर इंडिया ऑल्सो. And because of that scare, Wellesley tried to control entire country और सबसे alliance करने की कोशिश की Wellesley ने, because he was very scared कि Napoleon will come and defeat us. इसीलिए सब्सिडरी alliance भी शुरू किया गया था. I will just tell you कि Napoleon क्यों नहीं आया यहाँ पे and सब्सिडरी alliance का इससे connection क्या था. 1798 में, as I said, troops of Napoleon had sailed to Egypt. पूरे यूरोप को कैप्चर करने के बाद Egypt आ गए थे वो लोग, और he was very close to British possession in India. यहाँ पे आके finally British को लगा कि India भी हमारे हाथ से जाने वाला है. India में there was a ruler जो कि France के काफ़ी close थे, वो थे टीपू सुल्तान. When you read about टीपू सुल्तान in modern history, you read that he was a member of the Jacobin Club. वो Jacobin Club के member थे. Jacobin Club was a club of revolutionaries in France, जो French Revolution के time पे आप पढ़ोगे. So टीपू सुल्तान हैड वेरी क्लोज रिलेशंस विद फ्रांस. फ्रांस के नेपोलियन थे. सो ब्रिटिश हैड थॉट कि टीपू सुल्तान नेपोलियन के साथ मिलके ब्रिटिश पे अटैक करने वाले हैं, और ऐसा था भी. इन अ लेटर टू टीपू नेपोलियन हैड सेड दैट ही विल सेंड हिज फोर्सेस टू इंडिया टू ड्राइव आउट द ब्रिटिश. नेपोलियन ने टीपू सुल्तान को लेटर भी लिखा था कि मैं यहाँ पे फोर्सेज भेजूंगा और हम दोनों मिलकर ब्रिटिश को यहाँ से हटा देंगे. हाउएवर ऐसा हुआ नहीं. क्यों? बिकॉज नेपोलियन को इजिप्ट में ही हरा दिया गया था इन अ वेरी फेमस बैटल कॉल्ड द बैटल ऑफ नाइल. 1798 में बैटल ऑफ नाइल में नेपोलियन हैड बीन डिफीटेड बाय ब्रिटेन, और वो आगे नहीं आए वहां से. वेलेस्ले ने पीछे क्या किया? वेलेस्ले थॉट कि टीपू सुल्तान इज नाउ अ डेंजर बिकॉज वो फ्रांस से बहुत क्लोज है, उनको हटाना पड़ेगा. दैट इज वाई यहाँ पे वॉर होता है बिटवीन ब्रिटिश एंड द मैसूर डायनेस्टी. मैसूर और ब्रिटिश का जो वॉर था, दिस वॉज द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, लास्ट वॉर था ये. इन दिस वॉर टीपू सुल्तान के कमांडर थे मीर सादिक, उनको ब्रिटिश ने खरीद लिया था. ही डिसीव्ड टीपू एंड टीपू एज अ रिजल्ट वॉज किल्ड. टीपू ऑल्दो एडवांटेजियस पोजिशन में थे, बट वो हारते हैं वॉर को बिकॉज उनके जो कमांडर थे वो ब्रिटिश के साइड थे. ब्रिटिश ने क्या किया? टीपू को हरा के, टीपू को मार के वोडियार डायनेस्टी को वापस मैसूर में बैठा दिया. वोडियार डायनेस्टी वॉज एन ओल्ड डायनेस्टी जो कि टीपू के जो फादर थे हैदर अली, उनसे पहले वोडियार डायनेस्टी ही थी वहाँ पे मैसूर में. वोडियार डायनेस्टी को वापस वहाँ पे लेकर के आ गए, और वहाँ से वोडियार डायनेस्टी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश. सो ब्रिटिश नाउ कंट्रोल्ड मैसूर थ्रू वोडियार डायनेस्टी. सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, जिसके लिए वेलेस्ले को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है. ये आप पढ़ चुके होंगे कई बार, बट आई जस्ट रिवाइज इट फॉर यू. सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था. ब्रिटिश साइंड अ ट्रीटी विद द इंडियन स्टेट्स. कोई फॉर एग्जांपल आप मानो कि इंडिया का एरिया है, वहाँ के राजा को ब्रिटिश बोलते थे कि आप अपनी आर्मी मत यूज़ करो बिकॉज आपकी आर्मी अच्छी नहीं है, आपके वेपन अच्छे नहीं हैं, सो आप हमारी आर्मी अपने पास रखो. कोई भी अगर आपको थ्रेट आएगा तो हमारी आर्मी उस थ्रेट को आपके लिए लड़ेगी. तो राजा भी खुश हो जाते थे बिकॉज अगेन राजा, वाई वुड द राजा वॉन्ट कि मैं अपने लोगों को मारूं वॉर में? इट वुड बी बेटर फॉर देम टू हैव द ब्रिटिश आर्मी. सो ब्रिटिश अपनी आर्मी देते थे.
साथ में ब्रिटिश एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भी देते थे जिसको ब्रिटिश रेजिडेंट कहा जाता था। मतलब ब्रिटिश रेजिडेंट अब वो रूलर के पास रहेगा जस्ट टू सी कि आर्मी से बर्ताव ठीक से हो रहा है कि नहीं, आर्मी इज बीइंग ट्रीटेड वेल और नॉट। दिस ब्रिटिश रेजिडेंट वुड नॉट इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द स्टेट, ऐसा कहा गया था, स्टेट की वर्किंग में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नाउ द व्हाट द रूलर वुड डू इन रिटर्न, बदले में रूलर क्या करेंगे, रूलर या तो खर्चा देंगे आर्मी का, या इफ दे कैन नॉट अफोर्ड टू पे इन कैश, इफ दे कैन नॉट अफोर्ड टू पे इन गोल्ड, द रूलर वुड गिव अ पीस ऑफ लैंड टू द ब्रिटिश। ब्रिटिश को एक पीस ऑफ लैंड देना पड़ेगा रूलर को। दैट वॉज अ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, दीज स्टेट्स बिकेम अ सब्सिडरी ऑफ द ब्रिटिश। द ब्रिटिश टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट दीज स्टेट्स, इन रिटर्न दीज स्टेट्स गेव द ब्रिटिश लैंड और मनी। That was a subsidiary alliance system. Wellesley worked on this system. Why? Because he wanted to create a buffer. As I said earlier, Wellesley and the British were very scared that Napoleon will come to India. To protect that, they wanted to team up with the Indian states. ताकि अगर Napoleon आए तो पहले Indian states उनसे भिड़े और वहाँ भी British की ही army हो तो वो control कर सकते थे सारी की सारी states को. As I said, remember the fact. It was not originally Wellesley's idea. Subsidiary alliance system was originally the idea of Dupuy. जो Dupuy यहाँ पे French governor थे उनका idea था यहाँ पे, it was not British idea. Robert Clive ने भी arrangement किया था very similar with Awadh. Awadh के साथ ऐसा ही कुछ subsidiary alliance system किया गया था. Now यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है. There has been a question which usually is asked कि पहला subsidiary alliance British ने किसके साथ किया था. The answer to that is Awadh. Although वो Wellesley के time पर नहीं हुआ था, it was at the time of Clive, जहाँ Robert Clive ने Awadh को एक पूरा assurance दिया था कि we will protect you, आप हम अपनी army को आपके पास भेजेंगे, हम आपसे protect करेंगे। Wellesley ने famous किया, Wellesley signed this treaty with Nizams and almost 100 treaties were signed, but जो पहली treaty British ने subsidiary alliance की यहाँ पे sign की थी India में, that was with Awadh and that was at the time of Robert Clive. ये please याद, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस कैसे काम करता था मैंने आपको बता दिया पूरा, यही चीज यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई है, दैट द ब्रिटिश सेंट देयर फोर्सेस और राजा महाराजा को उसके लिए उसके अगेंस्ट केवल एक पीस ऑफ लैंड या फिर कुछ पैसे देने पड़ते थे। दैट इज हाउ द ब्रिटिश यूज टू कंट्रोल दी स्टेट्स। ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे जो कहा गया था इंटरफेयर नहीं करेंगे, दिस पर्सन स्टार्टेड टू इंटरफेयर, दिस पर्सन मेड श्योर कि जो पूरा का पूरा स्टेट है वो ब्रिटिश के हिसाब से ही चले। Wellesley के टाइम पे द फर्स्ट रूलर टू साइन दिस ट्रीटी वॉज निज़ाम ऑफ हैदराबाद, फिर रूलर ऑफ मैसूर, रूलर ऑफ तंजौर, अवध, इन सब ने ट्रीटी साइन की करके Wellesley के टाइम पे, बट रॉबर्ट क्लाइव पहले ही अवध के साथ एक बार करके आ चुके थे, ये याद रखना, ठीक है। देन द सेंसरशिप एक्ट 1799 का, जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, इंडिया में जो पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज याद रखना, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया वॉज बंगाल गैजेट और Calcutta Journal Advertiser. It was published by a person called James Augustus Hickey. ये जो newspaper था ये काफ़ी outspoken था, ये government के against कई सारी चीज़ें लिखती थी, ये काफ़ी free press था, इसीलिए इनको देखते देखते और newspaper शुरू हुए, the Calcutta Gazette आया, then Bengal Journal आया, Oriental Magazine of Calcutta, ये सब newspaper शुरू हुए। As you can see, most of these newspapers started in Bengal only. Bengal, Calcutta was the hub of all these activities. It was the literary hub, it was a cultural hub, it was the economic hub of India. तो ज़्यादातर नई चीज़ें वहीं पर होती थी। Because these newspapers were printing many things against the government, that is why उनको censor कर दिया गया। Lord Wellesley ने 1799 में introduce की censorship of press act to stop specifically French from publishing anything against the British. So ये जब introduce हुआ था, ये इसीलिए हुआ था कि जो French हैं इंडिया में वो ब्रिटिश अगेंस्ट कुछ ना लिखें। उसके बाद इस सारे के सारे न्यूज़पेपर्स को इनके अंडर लेकर के आया गया। सो नाउ न्यूज़पेपर्स कुड नॉट पब्लिश एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर आप कुछ पब्लिश करोगे तो दैट मटेरियल विल बी कन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट। इसके अलावा 1807 में इसमें मैगजीन्स, बुक्स, पैम्फलेट्स भी इंक्लूड किए गए। ये जो पूरा सेंसरशिप ऑफ प्रेस था, इट वॉज रिलैक्स बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे इसको थोड़ा बहुत रिलैक्स किया गया था। देन फोर्ट विलियम कॉलेज इन 1800। एज आई सेड इन द बिगनिंग, Wellesley हैड स्टार्टेड एन इंस्टीट्यूट टू ट्रेन सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। इंडिया में सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए स्टार्ट किया गया था, इसको फोर्ट विलियम कॉलेज कहा गया था। ही फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज इन
1800 जुलाई में इसको एस्टैब्लिश किया गया था. द आइडिया टू टीच द ब्रिटिश वॉज टू अंडरस्टैंड सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द इंडियन कल्चर. कि ब्रिटिश जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो इंडिया में ही रह के इंडिया को सीखे रहा दिन ब्रिटेन में सीख करके आए. देन सक्सेसर ऑफ लॉर्ड वेलेस्ले. लॉर्ड वेलेस्ले 1805 तक इंडिया में रहे. उनके टाइम पे सब्सिडी अलाइंस सिस्टम हुआ. इंडिया ने मैसूर के साथ वॉर किया. ब्रिटेन ने टीपू को हराया. वहाँ पे वोडिया डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया गया. नेपोलियन की थ्रेट को ख़त्म किया गया. इस टाइम पे लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम पे बिकॉज अ लॉट ऑफ वॉर्स वर फॉट देयर वाज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेन. कई सारे फाइनेंशियल स्ट्रेन थे और इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को वापस भेजा गया. हमने कॉर्नवालिस के टाइम पे पढ़ा था ही हैड अ सेकंड टेन्योर एज वेल. सो वेलेस्ले के बाद टेन्योर के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को वापस भेजा गया. बट ही केम इन द रेनी सीजन. बैड वेदर में इनकी डेथ हो गई. यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया था इनको. और इसीलिए कॉर्नवालिस के बाद सर जॉर्ज बर्लो आए. सर जॉर्ज बर्लो अगेन वन ऑफ दोज पीपल जो कि बहुत ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं हुआ था उनके टाइम पे, इसलिए उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको याद नहीं रखा जाता. ठीक है, दिस इज इट अबाउट वेलेस्ले. नाउ आई हैव अ फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू, कीपिंग इन माइंड कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे पूछे जाते हैं. यू कैन पॉज द वीडियो ऑन दिस स्क्रीन, रीड द क्वेश्चन एंड देन प्ले टू गो टू द आंसर. द आंसर हियर इज सी. हमने अभी अभी पढ़ा परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे. यू कैन पॉज द वीडियो यहाँ पे एंड यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन. ये वही सब चीज़ें हैं जो हमने अभी पढ़ी. ऊपर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793. 10 साल तक रेवेन्यू को फिक्स कर दिया जाता था. 89% ऑफ द रेवेन्यू वॉज विद द गवर्नमेंट. 11% वॉज विद द जमींदार. देन द सेकेंड प्रैक्टिस क्वेश्चन अगेन. यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड देन प्ले अगेन टू गो टू द आंसर. द आंसर हियर इज बी, मतलब सेकेंड ओनली. यू कैन सी यहाँ पे दिस इज द एक्सप्लेनेशन. अगेन जो मैंने कॉर्नवालिस के बारे में बोला था, प्लीज वो याद रखना. कॉर्नवालिस केम फ्रॉम अ वेरी हाई बैकग्राउंड, वेरी इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड. दैट इज वाई उनको यहाँ पे आके कई सारी पावर्स दी गई थी. ठीक है, उतनी पावर्स किसी और गवर्नर जनरल को नहीं मिली इतनी ही कॉर्नवालिस के पास थी. देन द नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन अगेन. यू कैन पॉज द वीडियो हेयर, गो थ्रू द क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस एंड देन प्ले अगेन. इसका आंसर इज बी. ट्रीटी ऑफ सलबाई किसके टाइम पर साइन हुई थी? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर. वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर ट्रीटी ऑफ सलबाई मराठास के साथ साइन हुई थी. दिस इज द एक्सप्लेनेशन. यू कैन गो थ्रू इट. दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एक बार जल्दी से आई लाइक टू रिमाइंड यू, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब टू दिस चैनल. लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. कुछ अगर और सजेशन है, आइडियाज हैं, लीव अ कॉमेंट एंड आई विल गो थ्रू दैट. बिगनिंग में जो मैंने बोला था, द लाइव क्लासेज आर स्टार्टिंग ऑन जूम. 100 टॉपिक्स मोस्ट प्रोबेबली दैट वुड बी आस्क्ड फॉर द प्रीलिम्स 2020 एग्जामिनेशन. यू कैन साइन अप फॉर दैट. द फर्स्ट सेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. बाय.